बुलंदशहर के ककोड़ कस्बे में कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिलने पर प्रभावित इलाके को बैरिकेटिंग लगाकर सील किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने हॉट स्पॉट एरिया का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की शीघ्रता से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए। हॉटस्पॉट एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि हॉटस्पॉट एरिया में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु लोगों को आपस में मिलने जुलने ना दिया जाए। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर में कोरोना मरीजों की संख्या 269 तक पहुंच गई है। 106 मरीज अब ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बुलंदशहर के 153 मरीज उपचाराधीन हैं। बात अगर देश की करें तो देश में 24 घंटे में 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,86,579 तक पहुंच गई है। देश में लगभग 1,41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 1,37,438 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि बीते 24 घंटे में देश में 357 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक इस वायरस से 8,102 मरीजों की मौत हो चुकी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।